हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगले दिन हो गया है और हम जा रहे हैं सिलोंग वैली। अभी हम जाएंगे बस से और उसके बाद हम कहीं पर निकलेंगे। चलो दिखाते हैं, चलो 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 चलो। तो हम बस में बैठ चुके हैं और अब यहाँ से निकलेंगे। ये हमें चार पांच जगह घुमाएगी, एक स्नोल वैली और एक स्नो पॉइंट और भी है, तो मेरे को नाम याद नहीं है। तो पहले चलते हैं, फिर दिखते हैं। जब तक तो आप यार व्यू ही देख लो, क्योंकि व्यू ही मतलब यहाँ का मेन है। और व्यू देख के तो मेरा कभी भी मन ही नहीं भर रहा था, मतलब मैं हर एक व्यू कैप्चर कर रही थी क्योंकि मुझे व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या ही बताऊँ, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। तो आप लोग व्यू देखो। अभी हम स्नो पॉइंट जा रहे हैं, अभी हम पहुँचे नहीं है पर बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम भी बर्फ़ पे जाने वाले हैं। तब तक आप लोग और व्यू देख लो। बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी उतर जाओ और बर्फ़ से खेलने लगो। उसके बाद हम एंटर हुए टनल में। ये पूरा अंदर से बना हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। अब हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर से, जो पहाड़ों के अंदर बना हुआ है खोद के, और जो मोदी जी ने बनवाया था 2020 में, है ना? 2002 में शिलान्यास था, अटल जी ने करा था। अच्छा, 2020 में मोदी जी। इतना नॉलेज नहीं है अपन को, पर चलते हैं। अभी स्नो गिरना स्टार्ट हो चुकी है, पीछे हल्की हल्की सी गिर रही थी तो वो वीडियो में नहीं दिख पाई थी, आगे दिखाते हैं। ज्यादा वाली में चलते हैं। यहाँ इतनी ठंडा है कि बर्दाश्त से बाहर है, और इतनी हवा चल रही है, मतलब हम नोज़ को कवर करे बिना नहीं रह सकते। और आप देख सकते हैं पूरा स्नो है। अभी यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा है बट शायद जल्दी हो जाए। बहुत ठंडा है कसम से, और मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे। मैं पता नहीं कैसे वीडियो शूट करूँगी, बट आप लोग ले ट्राई करेंगे, पूरा शूट करते हैं और आपको व्यू दिखाती हूँ। आपको दिख भी रहा होगा वैसे। इतनी ठंडा बता नहीं सकती, और मेरा फ़ोन नहीं चल रहा ग्लव्स के साथ, फिर भी हाथ में से ग्लव्स उतार के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। देख सकते हो इस वाले का मैंने उतार लिया है, और अभी यहाँ पे मैगी चल रही है, उसके बाद जाएंगे बर्फ की साइड। ऊपर बहुत ठंड है एंड ऑक्सीजन धीरे धीरे आ रहा है, मतलब ऐसे जैसे बीमार इंसानों को आता है। और आप देख सकते हो पूरे में बर्फ़ है, ऑक्सीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और पैर भी ऐसे फिसल रहे हैं, मतलब हम ऊपर कंफर्टेबली नहीं जा सकते। तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, हम थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं, इतने में हालत पंचर हो गई है। तो अभी दिखाती हूँ आपको नज़ारा। जितना यहाँ का व्यू सुंदर है ना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे सरवाइव करना है, मतलब क्या ही बताऊँ। फिर मैं यहाँ पे बर्फ़ फोड़ रही थी क्योंकि स्नोफॉल तो हुआ नहीं, तो मैंने सोचा बर्फ़ को उछाल के थोड़ी रील और फोटो तो ले ही लें। हमने बहुत फोटो वीडियो ली और गिरते गिरते बचे भी। अब हम जा रहे हैं नीचे, अब जाएंगे सेकंड जगह पे, फिर मिलते हैं आपको। जगह जगह पे आग तो जल रही है, पर आग भी ऐसे मतलब हवा में उड़ रही है, हवा के साथ साथ। तो वैसे गर्म तो है बट आग का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इतना। कि एक चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जो मोमोज है वो आटे वाले मिल रहे हैं, तो हमारा फैट नहीं बढ़ेगा, पेट ख़राब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिम्मत ने दाद दे दी है, हिम्मत अब नहीं हो रही। अब हम बस की साइड जा रहे हैं। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सांस आना वक्त के साथ मुश्किल हो जा रहा है, और बिल्कुल भी अपने आप को नहीं हम संभाल पा रहे हैं। हिम्मत हो या ना हो, आपको व्यू दिखाए बिना नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ का व्यू ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बट मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मतलब सुन्न हो गए थे वो, एक तरीके से अगर उस पर हथौड़ा मार दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सुन्न हो गया था। बट आप तब भी व्यू देखो और इन्जॉय करो। फाइनली हम बस में आ गए हैं, और ऐसा लग रहा था वो चक्कर खा के गिर जाएंगे। बहुत ठंड है यार, और हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ चल रही है, कुछ कहने के लिए। बस में आगे सुकून पड़ा है। तो आप सेकंड लोकेशन पे चल के दिखाते हैं वहाँ पे कितना ठंडा होगा। वहाँ हमारे बस में अभी दो तीन लोग रह गए हैं जो कि आके नहीं दे रहे, मतलब उनकी वजह से सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप ग्रुप में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो आप लोग जरूर टाइम पे आ जाओ, गलत चीज़ है ये थी। हम शिशु के लिए निकल गए, शिशु जा रहे हैं, और शिशु एक नदी का नाम है जिसमें पूरा बर्फ़ जम चुका है, बहुत मज़ा आने वाला है, चलो चलते हैं। सच में गाइस हालत इतनी पंचर हो गई है कि मैं नहीं बता सकती, और ना ही मैं यहाँ पे सही से ब्लॉगिंग कर पाऊंगी, बट आपको पूरा ट्राई करूंगी कि अपना व्यू दिखा सकूँ। तो अभी चलते हैं आगे। मेरे हुलिये को इग्नोर ही करते रहना क्योंकि ठंड की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई है। हम ये जिपलाइन करने जा रहे हैं बहुत हिम्मत के साथ, तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। यहाँ मैं भैया से बतिया रही थी कि मुझे और भी ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंट दे दो कि इस पर कुछ नहीं होगा मुझे, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, और डर तो दूर की बात है, इसमें इतनी तेज़ हवा लग रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, और हम बीचों बीच फेंक दिए गए थे नदी के ऊपर, मतलब क्या बताऊँ मैं, कैसे मैंने अपने दिल को बचाया। बट हाँ मज़ा बहुत आया यार, ऐसा नहीं है, मस्ती तो पूरी पूरी हुई। यहाँ पे हम रिटर्न आए हैं। हट के हाथ में तो नहीं आई, पर हवा और सांस रुक
सांस आना बंद हो गई थी, थोड़ी सी आग ली तब सांस आ रही है गाइस। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और यहाँ पे -7 degrees चल रहा है जिससे हालत पंचर हो चुकी है, बट फिर भी लेट्स डू इट गाइस। यहाँ पे इतनी भी हालत पंचर हो सकती है कि आप चक्कर खा के गिर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है आप सांस नहीं आ रही, बस अब रह गए। तो अपनी सेफ्टी के साथ आओ और कुछ नहीं बोला जा रहा गाइस। यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया आगे टनल के पास, तो उस वजह से जो पूरा जाम लग गया, बहुत ही लंबा जाम लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और एम्बुलेंस मनाली से आती है, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो मनाली से आएगी उसके बाद हम चल पाएंगे, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो बी केयरफुल यार, सही से चलाओ कार, जो भी आओ भगवान उसको जल्दी ठीक करे, और क्या ही बोल सकते हैं। जाम दिखाती हूँ आपको, बहुत लंबा जाम लग गया है, इतना लंबा जाम था, 5 hours लेट थे हम। ऑलरेडी 9 बज गए और 9:30 की हमारी शिमला की टिकट थी, ये ओवरटेक वालों ने इतना जाम लगवा दिया, मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है, और भी लोग हैं जाने के लिए, सिर्फ खुद को ही जाना है, बदतमीज फेंक के। होप सो भगवान मिल जाए हमारी बस, बस हमारी टिकट फालतू ना जाए। फाइनली हम शिमला वाली बस में एंटर हो गए हैं। दीदी गई है सामान लेने क्योंकि वो हमारे रूम पे थे, और मैं बस में हूँ क्योंकि बस ना छूट जाए। ओनली 10 minutes पहले हम यहाँ पे आए हैं, बहुत मुश्किल में आए हैं। अब शिमला चलते हैं और नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो बाय। लाइक बोला नहीं जा रहा यार, लाइक कमेंट शेयर कर देना अच्छा लगे तो। ओके बाय।